स्टडी फिक्शन है दोस्तों, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी इन फिजिकल एजुकेशन। सर्व शिक्षा में खेल समाजशास्त्र का क्या महत्व है और क्या उपयोगिता है, इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें से यह पार्ट टू है। पार्ट वन मैं बता चुकी हूँ। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जुड़ जाइए और डेली बेसिस पे वीडियो देखते रहिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग थियोरिटिकल वीडियो, एमसीक्यूज वीडियो एंड प्रीवियस ईयर वीडियो पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो क्वेश्चन है, उस क्रिया या गतिविधि को क्या कहा जाता है जिसमें भाग लेकर व्यक्ति आनंद एवं खुशी प्राप्त करता है? तो उसको बोला जाता है मनोरंजन, यानी कि रिक्रिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन की गतिविधियां मान्य होती हैं, किसके द्वारा मान्य होती हैं? समाज के द्वारा। ऐसा मनोरंजन भी नहीं हो सकता जो किसी के द्वारा मान्य न हो, ठीक है? समाज के द्वारा वो क्या होती है? मान्य होती है। नेक्स्ट है, अवकाश के समय का सदुपयोग, प्रसन्नता एवं संतुष्टि प्राप्त करना एवं तनाव से मुक्ति, ये किसके लक्ष्य उद्देश्य होते हैं? तो ये होते हैं मनोरंजन के लक्ष्य उद्देश्य। नेक्स्ट है, खेल व मनोरंजन के संबंध में है, खेल व मनोरंजन में संबंध है, यानी कि कहना क्या चाहता है? खेल और मनोरंजन दोनों में संबंध है। क्यों संबंध है? क्योंकि दोनों स्वैच्छिक है। क्या है? दोनों स्वैच्छिक क्रिया, यानी कि दोनों में हम स्वेच्छा से भाग लेते हैं और दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता भी है, ठीक है? एंड दोनों अवकाश के समय के सदुपयोग से संबंधित है। तो दोनों स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, दोनों को कर्ता स्वेच्छा से करता है और दोनों अवकाश के समय यानी खाली समय का सदुपयोग करने से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल व मनोरंजन को एक मानना उचित नहीं है, क्योंकि क्यों हम खेल और मनोरंजन को एक नहीं मान सकते हैं, उसका क्या रीजन है? तो दोस्तों, यहाँ पे रीजन ये है कि खेल में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जबकि मनोरंजन में नहीं। मनोरंजन करने के लिए आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आपका मन लगे उसमें आप मनोरंजन कर सकते हैं, बट खेल खेलने के लिए आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और मनोरंजन बिना खेल हो सकता है, बट खेल के बिना मनोरंजन संभव नहीं है। खेल मनोरंजन का साधन है और मनोरंजन तो खेल का उद्देश्य है। इस प्रकार दोनों में एक समान मानना उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरंजन के सरकारी अभिकरण हैं क्या है? इसके सरकारी अभिकरण है संगीत कला अकादमी, संगीत कला अकादमी, राष्ट्रीय मनोरंजन संस्था एवं यूथ महोत्सव, ठीक है? नेक्स्ट है, मनोरंजन के स्वैच्छिक एवं अर्ध सरकारी अभिकरण हैं। तो स्वैच्छिक और अर्ध सरकारी अभिकरण मनोरंजन के कौन कौन से हैं? तो YMCA, YWCA एंड साउथ स्काउट एंड गाइड। नेक्स्ट है, मनोरंजन की व्यावसायिक एजेंसियां हैं, व्यावसायिक एजेंसियां कौन कौन सी हैं? सिनेमा, सर्कस, प्रदर्शनियां, ये सब व्यावसायिक हैं, इससे पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट है, निरस्ता, उबाऊपन एंड थकावट दूर होता है, किससे दूर होता है? सब ये है मनोरंजन से। नेक्स्ट है, स्वाभाविक, सार्वभौमिक एवं आत्मप्रेरक और आनंददायी क्रिया है। तो यह सार्वभौमिक है, कौन सा है क्रिया? खेल है, जो सार्वभौमिक, स्वाभाविक, आत्मप्रेरक और आनंददायी है। नेक्स्ट है, मनोरंजन का अभिकरण है कौन कौन सा है दोस्तों?
युवा महोत्सव में आप जाते हैं, अप्पू घर, नाट्य एवं नृत्य, ये सभी क्या है? मनोरंजन के अभिकरण यानी साधन है। नेक्स्ट मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति होती है। तो मनोरंजनात्मक गतिविधियों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? इसकी गतिविधि होती है रचनात्मक। कैसी होती है? रचनात्मक। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल किस प्रकार के मनोरंजन है? तो जो शिक्षण संस्थाओं में होने वाले खेल होते हैं उसको हम बोलते हैं संस्थागत मनोरंजन। ठीक है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में ताराचंद कमेटी के द्वारा। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जनरल के एम करियप्पा। नेक्स्ट है कि रथ दौड़ किस प्राचीन सभ्यता में मनोरंजन का साधन था? तो रथ दौड़ जो है दोस्तों वो मेसोपोटामिया सभ्यता में मनोरंजन का साधन था। नेक्स्ट है बाल केंद्रित व समाज केंद्रित लोचकता सिद्धांत एवं उपलब्ध साधनों का अधिकतम प्रयोग, ये सिद्धांत है। ये कैसे सिद्धांत है? मनोरंजन संगठन के सिद्धांत है। नेक्स्ट है लघु खेल, लोकगीत एवं धार्मिक उत्सव व कला प्रदर्शन एक क्रियाएं हैं। तो ये सभी ग्रामीण मनोरंजन की साधन है। नेक्स्ट है ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन से कारक हैं दोस्तों ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले? तो ये है आपका धन की कमी, गांव में राजनीति का प्रवेश एवं सुविधाओं का अभाव। ठीक है। नेक्स्ट है मनोरंजन के प्रकार हैं। तो मनोरंजन के प्रकार है सक्रिय मनोरंजन, असक्रिय मनोरंजन एवं इंडोर क्रियाएं। यही है आपके मनोरंजन के प्रकार। नेक्स्ट है मनोरंजन का भाग नहीं है। तो जो संघर्ष है दोस्तों ये मनोरंजन का भाग नहीं है, क्योंकि जिसमें संघर्ष होगा वहां मनोरंजन होगा ही नहीं। नेक्स्ट है सक्रिय मनोरंजन नहीं है। तो दोस्तों रेडियो सुनना सक्रिय मनोरंजन नहीं है, क्योंकि आप इसमें सक्रिय नहीं है, केवल आपका कान सक्रिय है, सुन रहा है। नेक्स्ट है शारीरिक बल वाली मनोरंजन क्रियाएं हैं। तो जैसे कि खेलना, ये शारीरिक बल वाली है। कोई भी खेल, टेनिस खेलना, टेनिस खेलना ही नहीं कोई भी खेल है। नेक्स्ट व्यवसायिक मनोरंजन का उदाहरण नहीं है। तो महिला संगीत क्लब, ये नहीं है। नेक्स्ट है साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधियां हैं। जैसे साहित्य में जैसे कवि सम्मेलन हो गया, इसमें बहुत ही आनंद आता है। खाली समय का सदुपयोग, प्रतिभाओं की खोज एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, ये सभी किसके लक्ष्य होते हैं? तो ये सभी लक्ष्य होते हैं मनोरंजन किसके लक्ष्य होते हैं? ये सभी लक्ष्य होते हैं मनोरंजन की सहगामी क्रियाओं के। नेक्स्ट है कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के साधन हैं। तो कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के क्या साधन है दोस्तों? खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं साहित्यिक क्रियाएं। नेक्स्ट है मनोरंजन शब्द अंग्रेजी भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो यह 10 शब्दों से मिलकर बना है। नेक्स्ट है मनोरंजन का प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। तो क्या नहीं है? आदर्श नागरिकता। क्या है? आदर्श नागरिकता प्रत्यक्ष सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है पारिवारिक मनोरंजन, औपचारिक मनोरंजन, सामुदायिक और
व्यावसायिक मनोरंजन ये सभी हैं। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी मनोरंजन के विभिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन का महत्व है। क्या है महत्व इसका? तो ये इसका महत्व है यह मनोरंजन एक मौलिक और मानवीय आवश्यकता है। मनोरंजन और शिक्षा एक दूसरे के क्या है? पूरक है, क्योंकि उबाऊपन से आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इसीलिए मनोरंजन वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में या किसी भी चीज में, किसी भी कार्य में। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक विकास, रुचि का विकास एवं आत्मज्ञान की भावना का विकास। ये सभी क्या है? ये सभी है मनोरंजन के में खेल विधि का महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, नैतिक व चारित्रिक गुणों का विकास एवं अच्छी आदतों एवं व नैतिक गुणों का विकास। ये सभी हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं मनोरंजन से होने वाले लाभ। ठीक है, मनोरंजन से अच्छी आदतों का विकास होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, चारित्रिक गुण का विकास होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र। ये है, ये सभी क्या है? ये सभी है मनोरंजन के क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट है स्वास्थ्य विकास, अवकाश के समय का उपयोग एवं सामाजिक संगठनों का क्षेत्र। ये सभी मनोरंजन के उद्देश्य हैं। क्या है? मनोरंजन के उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि मनोरंजन के रिक्रिएशन का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक अर्थ है इसका री प्लस क्रिएशन, यानी री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा पुनः निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनोरंजन के दो शब्द मन और रंजन का अर्थ क्या है? तो मन और रंजन का अर्थ है दोस्तों मन को आनंदित करने वाली क्रिया को ही हम कहते हैं मनोरंजन। यानी मनोरंजन में मन प्लस रंजन का अर्थ क्या है? मन को आनंदित करने वाली क्रिया। रिक्रिएशन बोलेगा तो री मतलब पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी पुनः निर्माण करना। नेक्स्ट है मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं? तो मनोरंजन के प्रत्यक्ष सिद्धांत हैं प्रसन्नता का अनुभव, क्रिया द्वारा संतुष्टि, कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलना। ये प्रत्यक्ष सिद्धांत है। हमको प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्रिया द्वारा संतुष्टि होता है, अब कार्य हेतु पुनः ऊर्जा मिलता है। ये हमारा प्रत्यक्ष मनोरंजन का सिद्धांत है। नेक्स्ट है मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत है। अप्रत्यक्ष सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष सिद्धांत है संतुलित विकास, आदर्श नागरिकता, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास। ये हमारे मनोरंजन के अप्रत्यक्ष सिद्धांत। नेक्स्ट है समूह में शामिल होकर आनंद उठाना एवं समूह को दूर से ही देखकर आनंदित होना। ये दोनों निहित है। किसमें निहित है? ये दोनों निहित है आपके मनोरंजन आनंद में। नेक्स्ट है
मनोरंजन के आधुनिक साधन है। तो मनोरंजन के आधुनिक साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? तो आप सबको पता है, ये है आपके कंप्यूटर, मोबाइल फोन, वीसीडी एवं डीवीडी। नेक्स्ट है प्राचीन काल में भारतवर्ष में मनोरंजन का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? तो किन ग्रंथों में मिलता है? रामायण एंड महाभारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन के अच्छे कार्यक्रम नियोजन के गुण हैं तो क्या है दोस्तों? इसके गुण हैं लिंग के आधार पर, समाज की आवश्यकता के अनुरूप, उद्देश्य के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, टीवी एंड टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, ये सभी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। और डेली बेसिस पे इसी तरह बने रहिए मेरे चैनल पे। और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।